आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अप्लीकेबल टू वायरसेस तो चार स्टेटमेंट दी गई हैं जो हमारे स्टेटमेंट वायरसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी उस स्टेटमेंट को हमें चूज करना है द वायरसेस दीकेट इन अ बैक्टीरियल होस्ट द प्रोटीन कोट ऑफ अ वायरस डज नॉट एंटर द होस्ट सेल द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए और आरएनए द वायरस रेप्लीकेट ऑटोनोमसली इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट तो यहाँ पे हम बात करें वायरसेस की तो ये हमारे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं अब नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं इनको रेप्लीकेट करने के लिए जरूरत होती है होस्ट सेल की विदाउट होस्ट सेल ये रेप्लीकेट नहीं कर सकते मल्टीप्लाई नहीं करते होस्ट सेल के बिना ये हमारे इनर पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं अब वायरस का मतलब क्या होता है वायरस दैट मीन्स वेनम यह हम बोल सकते हैं पॉइजनस फ्लूड तो ये किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं और फिर होस्ट सेल की मशीनरी का यूज करते हैं होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर देते हैं किस लिए टू रेप्लीकेट दम सेल्फ अपने आप को रेप्लीकेट करने के लिए अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए और होस्ट सेल को किल करते हैं अब जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो वायरसेस जो होंगे उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है बट एक वायरस के अंदर दोनों हमारे डीएनए और आरएनए प्रेजेंट नहीं हो सकते या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का वो सराउंडेड होता है प्रोटीन कॉट से और वो प्रोटीन की कॉट क्या कहलाएगी हमारी कैप्सिड कहलाएगी ओके okay. अब ऑप्शंस देखते हैं फर्स्ट वन इज द वायरस रेप्लीकेट इन बैक्टीरियल होस्ट तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है एग्जाम्पल ले हम बैक्टीरियो का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं द प्रोटीन कॉट ऑफ वायरस डज नॉट एंटर द होस्ट सेल तो यहाँ पे जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है वही सिर्फ होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है जो प्रोटीन कॉट होती है वो एंटर नहीं करेगी करेक्ट

आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर